सोनीपत से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। एक पुलिस कर्मचारी ने कि आरोपी को गोली से उड़ा दिया। बात केवल यहां खत्म नहीं हुई, अदालत में जिस आरोपी को गोली मारी गई उसी के घर में उसी के पिता पर भी हमला हुआ है। पूरा मामला क्या कुछ है रिपोर्ट में जानेंगे। सोनीपत कोर्ट में पेशी पर लाए गए बदमाश को सिपाही ने गोलियों से भूनकर छलनी कर दिया। रोहतक की सुनारिया जेल से बदमाश अजय उर्फ बिट्टू को सोनीपत कोर्ट में पेशी पर लाया गया था। वहीं महेश नाम के सिपाही ने कैदी बस में ही बदमाश को गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया। सिपाही ने बदमाश को 4 गोलियां मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद उसे सोनीपत सिविल अस्पताल से रोहतक PGI रेफर कर दिया गया। वहीं सोनीपत कोर्ट और सिविल अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गयी। वहीं घटना के कुछ देर बाद बिट्टू के पिता को भी उनके गांव बरौड़ा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले का CCTV फुटेज भी सामने आया है। एक दिन में इन दो फायरिंग की घटनाओं से पूरा सोनीपत दहल गया, जहां एक तरफ एक सिपाही ने बदमाश को गोलियों से भूनकर छलनी कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ सोनीपत के ही एक गाँव में उसके पिता की हत्या कर दी गयी। मृतक के परिजनों ने सोनू मलिक नाम के युवक और कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि सोनू मलिक नाम का युवक पहले ही बिट्टू को मरवाने की बात कहकर गया था। इन नंबर एक हमरा दो तो मां कौन कौन है एक तो मन तो जी सोनू मलिक पर सोनू मलिक की बहू उन्होंने कह दी थी मारे टुडे अब मरवाऊंगा छोटू को ना तो नदी ठीक सर। एक सोनू मलिक की बहू और एक यो मुनिया बुआ बताऊंगे कौन कौन मार लिया थे और एक भाई राम करने ये मेरे दुश्मन और कोई नहीं जाना मरवाया मेरा। वहीं सोनीपत SP जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि आरोपी को कोर्ट की सिक्योरिटी और पुलिस ने राउंड अप किया है और उससे अभी पूछताछ चल रही है। पूरे मामले में पुलिस ने 5 टीमों का गठन भी किया है। उसके अंदर हमारे पास जो CCTV फुटेज है उसके अंदर कुछ डिटेल्स आई हैं, तो आगे अभी हमारी स्पेशल हमने यहाँ पे 5 टीमें बनाई हैं और DSP सिटी श्री रविंदर के अंडर वो काम कर रही हैं और इसको मैं पर्सनली फॉलोअप कर रहा हूँ और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही अपराधियों को हम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।